नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली आपका सीयूटी पीजी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। काफी सारे इंतजार के बाद सीयूटी पीजी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब आपको आगे के क्या स्टेप फॉलो करने हैं थोड़े सी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन अगर आगे अपन बात करेंगे कि क्या सारा कट ऑफ वाला सीन रहने वाला है। तो जैसे ही आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, अब आपके स्कोर कार्ड के नीचे बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ लिखी होगी कि ये यूनिवर्सिटी में आप अप्लीकेबल हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी कम यूनिवर्सिटियाँ सेलेक्ट की होगी। जैसे कोई बच्चा है जो कि MBA करना चाहता है, तो जस्ट लाइक उसने मान लो कि 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, तो उसको जो है यूनिवर्सिटियाँ ऐड करने का जो मौका है वो अभी दिया जा रहा है, जल्दी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है अनलिमिटेड यूनिवर्सिटियाँ सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये NTA की तरफ से फैल है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे का क्या प्रोसेस रहता है। तो यार हर यूनिवर्सिटी का जस्ट लाइक कि अलग अलग प्रोसेस रहता है कि वो कैसे प्रोसेस अपना कंप्लीट करवाती है। स्पेशली आपकी जो काउंसलिंग है वो वेबसाइट पे ऑनलाइन ही कंडक्ट की जाएगी, इसलिए हमारा इंडिया का सबसे बेस्ट CUET काउंसलिंग प्लेटफॉर्म हमने रिलीज किया है। आप उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं, हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी पूरी हेल्प करती है। आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, आपके कट ऑफ के मार्क्स के बेसिस पे आपको कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगा, बिकॉज जस्ट लाइक बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो बच्चों के लिए डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है कि भैया हमको कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। तो आप जो हमारे एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, CUET एडमिशन गाइडेंस प्लान, फोन सपोर्ट प्लान, काउंसलिंग प्लान, मिशन गारंटेड एडमिशन प्लान भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 100% रिफंड है अगर आपका एडमिशन नहीं होता है। तो YouTube पे लाइव बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, तो अब कुछ कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यार बेसिकली इंडिया के अंदर कुछ कैटेगरीज बटी होती है, जैसे एक जनरल कैटेगरी होती है जिसको कितना भी आरक्षण नहीं होता, रिजर्वेशन बिल्कुल जीरो रहता है उसके लिए। उसके बाद आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि जो भी स्टूडेंट जिनकी इनकम जो है 8 लाख से, इनकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम होती है, उसको हम EWS बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा OBC कैटेगरी, ठीक है, जस्ट लाइक अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनको हम बोलते हैं। देन आता है SC कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइब। उसके बाद एक हम कंसिडर करते हैं PWD फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट होते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से और अगर उनके मार्क्स एटलीस्ट 190 प्लस आ रहे हैं, देन आपको कोई ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। भैया कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगा, उसके लिए आप मेरा CUET फोन सपोर्ट प्लान ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही आपको एक सबसे बड़ी खुशखबरी दे दूं, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के अंदर आपका जो एडमिशन है टिल 2000 रुपीज के अंदर पूरा कंप्लीट एडमिशन करा देते हैं 1999 रुपये में फुल। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम एडमिशन कॉलेज के अंदर, यहाँ तक कि हम तो आपको बस का रूटीन, ट्रेन का रूटीन, साथ में आपको जस्ट लाइक फ्लाइट की टिकटिंग के अंदर भी हेल्प कर देते कि भैया ऐसे जाओगे तो आपको आसान पड़ेगा, ठीक है, और PG का भी। ओके, तो यार जस्ट लाइक जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 190 प्लस के आसपास अगर आपका है तो आपका हो जाएगा। EWS वाले भी 180 के आसपास, उसको थोड़ा सा ही रिलैक्सेशन मिला है 10 नंबर का, ठीक है। ये मैं सेफ मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है, इस मार्क्स तक आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में। OBC वाले जितने भी बच्चे हैं अगर आपके 160 तक आ रहा है तो आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। SC वाले जो बच्चे हैं SC वाले को एटलीस्ट 135 के आसपास, और ST वाले जो बच्चे हैं वो अगर 120 के आसपास भी अगर आपके आ रहे हैं PG के अंदर तो आपको मिल जाएगा। हालांकि जस्ट लाइक जो PWD वाले जो होते हैं काफ़ी कम बच्चे होते हैं, लेकिन सीटें भी 2 से 3 सीटें होती है, तो वो डिपेंड करती है जस्ट लाइक बच्चों पे। बहुत सारी बार PWD जो सीट होती है वो 1.5 पे भी ख़त्म हो जाती है, 100 पे भी मिल जाती है, बहुत बार 0 पे माइनस पे भी मिल जाती है, डिपेंड ऑन अप्लीकेंट्स की कौन कौन से अप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं, राइट। सो इस प्रकार से डिपेंड करता है। इसके साथ ही फ्यूचर ऑफ इंडिया को ज़रूर से सब्सक्राइब करो गाइस, एंड आप CUET पेड काउंसलिंग प्लान भी ले सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, सुझाव हो, मुझको इंस्टा पे जरूर से शेयर करिए, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। एक CUET PG का व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।